93.5 Red FM पे New York Radio Festival 2015 का Best Innovation and Best Narration Category में awarded show एक कहानी ऐसी भी Season 3 प्रवीण के साथ। मैं अनिरुद्ध, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये गाना हमेशा मुझे अपने पास बिठाकर गाते हैं। मुझे रात को नींद बहुत मुश्किल से आती थी, लेकिन बाबा मेरे पास बैठ के सर पे हाथ फेराते हुए जब ये गाना गाते थे ना, तो तुरंत पता नहीं कैसी नींद आ जाती थी। मैं 13 साल का था जब एक रात को चीख पुकार सुनकर अचानक से मेरी नींद खुली। पागल तुम हो गए हो, तुम जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। कभी सोचा है मेरे बारे में? आगे घर से बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। अरे जाओ। और बाबा रोज की तरह चिल्ला रहे थे। मैंने भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। सुबह में रोज की तरह अलार्म बजते ही उठ गया और स्कूल के लिए तैयार हुआ। मेरा उस दिन एग्जाम था, लेकिन नाश्ता उस दिन बाबा ने परोसा। मैंने पूछा माँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तू खा और स्कूल जा, एग्जाम मन से देना, समझा मेरे कलेक्टर साहब। बाबा ने मुस्कुराते हुए मुझे रवाना किया और मैं स्कूल चला गया। एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं खुशी खुशी उछलता कूदता हुआ घर वापस आया तो घर पे काफी भीड़ लगी थी। मेरी नानी मां का नाम लेकर रोए जा रही थी और मासी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। बाबा हमेशा की तरह अकेले थे, एक कोने में चुपचाप खड़े थे। मैं इतना तो समझदार था कि समझ सकूं कि क्या हो रहा है। मेरी मां मर चुकी थी और बाबा का अब मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं अपने बाबा के पास गया तो बाबा ने मुझे नानी के पास बैठा दिया। नानी मुझे गले लगाकर रोने लगी और बाबा का ख्याल रखने को कहने लगी। दिन बीते, मां का श्राद्ध हुआ। धीरे धीरे जैसे पूरा एक तूफान शांत हुआ। जिंदगी बहुत बदल गई थी। बाबा रोज रात को शराब पीते और अपने कमरे में चीखते चिल्लाते चीजें तोड़ते फोड़ते, लेकिन खाना रोज मेरे साथ खाते, मुझे खिलाकर थोड़ा बहुत खुद खाते और मुझे सुलाकर खुद अपने कमरे में चले जाते। सोते तो नहीं थे, इतना पता था मुझे। और जब दिक्कत हद से ज्यादा बढ़ गई तो बाबा ने मुझे अगले साल बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। पहला दिन था मेरा, बाबा मुझे छोड़कर चले गए। गंदा सा कमरा था। मैंने अपना सारा सामान अनपैक किया और अलमारी वगैरह देखने लगा कि कहां से शुरुआत करूं। मैं अपना सामान वगैरह ठीक करने को बैग से निकाल के एक एक करके रख ही रहा था जब मुझे हॉस्टल के अपने रूम के बाहर से मां बाबा के लड़ने की आवाजें सुनाई दी। मां की आवाज सुनकर खुश होना चाहिए था, या दोनों का झगड़ा सुनकर परेशान, या फिर मरी हुई मां की आवाज से मुझे डरना चाहिए था, यह तो समझ ही नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहे हैं। बस इतना याद है कि आवाज सुनकर जब तक मैं बाहर गया तो बाबा की आवाज नहीं आ रही थी, पर मां की चीखें रोने की आवाजों में बदल के मेरे बाहर निकलने तक खामोश हो चुकी थी। और जब मैं बाहर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैं बाहर खड़ा खड़ा बेवकूफों की तरह अपने वहम को सच मान रहा था जब अंदर मेरे रूम से आवाज आई। मैंने पलट के दरवाजे के अंदर झांका। मेरा सारा का सारा सामान अलमारी में भर के अच्छे से रखा था, बैग्स खाली थे और पूरा कमरा साफ सुथरा था। मैं स्कूल में नया था, बीच का सेशन मैंने ज्वाइन किया था,
पता नहीं क्यों समझ के नहीं समझा। सोचा कि कोई डरा के रैगिंग करना चाह रहा है। मेरा तो काम आसान ही हुआ जब कोई इधर उधर नहीं दिखाई दिया, तो मैं आके बेड पे बैठ गया। दिन बीता, स्कूल में सबसे मिलवाया गया। एक दो लड़कों को छोड़ के बाकी सब ठीक ही थे। उस दिन रात का वक्त था, डॉर्मेट्री भरी हुई थी, सभी लड़के सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे कानों में कभी माँ और बाबा के झगड़ों की आवाजें गूंजती, तो कभी आंखों के सामने वो माँ की लाश का घर के बीचों बीच रखा होना, बाबा का एक कोने में खड़े होकर सबको देखना, यही सब बातें मुझे नींद से दूर रखे हुए थी जब मेरा फोन अचानक बजा। मैंने देखा तो घर के लैंडलाइन से फोन था, शायद बाबा को याद आ रही होगी मेरी। मैंने फोन उठाया तो पहले तो सिर्फ सांसें ही सुनाई दी और फिर फोन पर मेरी मां की आवाज साफ साफ समझ आ रही थी मुझे। मेरी मां जीते जी कभी मुझसे ज्यादा घुली मिली नहीं, बाबा ही मेरा ध्यान रखते थे ज्यादा। मां ज्यादातर बीमार ही रहती थी और अपने कमरे में सोती रहती थी। आवाज सुनकर मैं सच कहूं तो बुरी तरह से डर गया था, घबराहट से पसीना आ गया था और मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुरंत फोन काट दिया। मुझे लगा कि फोन काटने से सब ठीक लगेगा, लेकिन फोन काटते ही आवाज ये आवाज मेरे ठीक पीछे से आने लगी। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। मेरे हलक से आवाज नहीं निकली, बल्कि वो आवाज धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी। पता नहीं कहां से हिम्मत आई और मैंने टॉर्च चलाकर देखा तो पूरी डॉर्मेट्री में कोई नहीं दिखाई दिया, और जब टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई तो डॉर्मेट्री का दरवाजा ऐसे बंद हुआ जैसे कोई वहां से बाहर निकल के दरवाजा बंद कर गया हो। घबराहट से मैं सो तो नहीं पा रहा था, लेकिन नींद आखिरकार आ ही गई। सुबह अलार्म बजा तो सभी उठे और नहा धोकर तैयार होने को निकले। मैं नया था, एक दो बैचमेट्स जैसे हर जगह होते हैं वैसे ही थे, जान बूझ कर मुझे देर करवा दी। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी, कोई मतलब नहीं था किसी तरह का कुछ झगड़ा करने से। क्लास पहुंचने में देर हुई और इसलिए मुझे क्लास से निकाल दिया गया, पर पूरे वक्त लगा नहीं जैसे मैं अकेला खड़ा हूं बाहर। ऐसा लगता रहा जैसे कोई है आसपास जो मेरे अगल बगल ही चहलकदमी कर रहा है। पूरा दिन बीता, रात हुई, डिनर के बाद सब डॉर्मेट्री में पहुंचे और लाइट्स ऑफ होने के बाद मुझे एक बार फिर लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है। मेरा जो सूटकेस पलंग के नीचे रखा था उसके सरकने की हल्की सी एक आवाज हुई। मैं आवाज सुनते ही एक बार फिर से पसीने से तर बतर था। पूरी डॉर्मेट्री में लड़के सो रहे थे और इतने लोगों के बीच भी मैं डर से किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। और उसी वक्त मेरे डर को 100 गुना बढ़ा दिया एक आवाज ने। पलंग के नीचे मेरा सूटकेस जोर जोर से जैसे कोई उठा के पटक रहा था। मैं अगले 5 सेकंड में ही चीखने वाला था जब कोई और चीखा। जिस लड़के की वजह से मुझे क्लास पहुंचने में देर हुई थी वही लड़का चीखता हुआ उठा
और डॉर्मेट्री में इधर उधर भागने लगा, जैसे जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। और पलंग के नीचे पड़ा मेरा सूटकेस जोर जोर से आवाज कर रहा था, जैसे जैसे कोई उठा के उसे पटक रहा हो। उस चीख चीख कर भागते हुए लड़के को किसी तरह संभाल कर वापस लिटाया और सब कुछ शांत हुआ तो मेरी नजर पलंग के नीचे पड़े मेरे सूटकेस पर गई। मैंने जाकर सूटकेस खोला तो आंखें मेरी हैरानी से फैलती चली गई। सूटकेस में वही साड़ी थी जो माँ ने आखिरी वक्त पर पहनी हुई थी। यह साड़ी यहां कैसे आई यह मैं समझ चुका था। मैंने वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़कर दिल से कहा, मां मां प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मां प्लीज चली जाओ। तुम जब जिंदा थी तब मुझे तुमने वक्त नहीं दिया, आप ऐसा मत करो मेरे साथ मां, चली जाओ यहां से, चली जाओ। उस एक रात के बाद अगले 4 साल कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं छुट्टियों में घर जाता, बाबा के साथ वक्त बिताता, लेकिन बाबा मां की मौत के बाद बदल चुके थे। कई बार कुछ दोस्तों को लेकर मेरे सामने घर पे आते थे, घर पे लड़कियों के फोन आते जब वो घर पे नहीं होते थे। मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और मैं वापस अपने घर पहुंचा। अभी 4 महीने पहले ही छुट्टियों में आया था घर, पर ये क्या हो गया था मेरे घर को, मेरे बाबा को? घर और बाबा जैसे अचानक 4 महीनों में ही बहुत बूढ़े हो गए थे। घर की दीवारों और छतों में सीलन और दरारें पड़ी हुई थी। बाबा सिर्फ खांसे ही जा रहे थे, घर का सारा सामान पुराना सा हो रहा था और बाबा गुमसुम से घबराए हुए से डरे डरे पागल से हो गए थे। अजीब बात यह थी कि मेरा कमरा बिल्कुल ठीक ठाक था, शायद मेरा 4 साल पुराना डर दोबारा दिखने वाला था। बाबा को खाना खिला के मैं अपने कमरे में सोने गया तो नींद में ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं आवाजें सुन के कमरे से निकलकर ऊपर भागा और बाबा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसने मेरे डर, घबराहट और परेशानी को 100 गुना बढ़ा दिया। बाबा मेरे ही सामने अपनी शराब की बोतलें जमीन पर रोते रोते पटक के फोड़ रहे थे और उन पे चलते हुए खून से लथपथ पैर लिए हुए रोते रोते कह रहे थे, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। साफ समझ आ रहा था कि बाबा कुछ कर नहीं रहे थे बल्कि उनसे करवाया जा रहा था। मैं वही खड़े खड़े चिल्लाया, छोड़ दो बाबा को, मेरे बाबा को जाने दो, छोड़ दो। बाबा को जैसे किसी ने उठा के पकड़ रखा था कि बाबा एकदम से छूट के फर्श पे गिरे और नीचे कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, कुछ चोटें उन्हें और आई। मैंने डॉक्टर अंकल को तुरंत बुलाया और बाबा की मरहम पट्टी करवाई, दवाइयां देकर बाबा को सुलाया गया। अगले कुछ दिन मैं घबराहट में ही जीता रहा लेकिन सब कुछ ठीक ही रहा। घर की थोड़ी बहुत मरम्मत भी करवाई और तकरीबन 1 महीने के बाद सब कुछ ठीक था। मैं एक रात खाने के टेबल पर खाना लगाकर बाबा को आवाज दे ही रहा था लेकिन बाबा का कोई जवाब नहीं आया। मैं किसी अनहोनी के डर से ऊपर भागा और उनके कमरे का दरवाजा खोलने गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कई बार दरवाजे को खटखटाया, चीखा चिल्लाया, बाबा को आवाजें दी लेकिन बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने धक्के मार मार के दरवाजा तोड़ा तो सामने बाबा किसी बच्चे की तरह बैठे हुए थे। कांच की टेस्ट ट्यूब्स चबाने की वजह से उनके मुंह से खून बह रहा था, हाथों और पैरों में सुइयां चुभी हुई थी और एक अजीब सी महक पूरे
पूरे कमरे में भारी पड़ी थी। मेरी हालत तो बाबा को ऐसे हाल में देखते ही जैसे पानी में बहती लाश जैसी हो गई। हाथ पांव घबराहट से फूल गए। चाहता था कि किसी तरह संभालू, लेकिन कैसे, पता नहीं क्या सोच के मैं चीखा, अभी मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। बाबा को जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने किसी अच्छे बच्चे की तरह सारी सुइयां निकालकर फेंकी, कांच के टुकड़े वगैरह साफ किए और पलंग के पास जाके एकदम से बेहोश होकर गिर गए। मैंने उनके पास जाकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया और दोबारा डॉक्टर को बुलाया। मरहम पट्टी करके वो निकले तो मैं भी बाबा के पास जाने को मुड़ा ही था जब नीचे वाले कमरे से धमाधम चीजें गिरने, टूटने और पटकने जैसी आवाजें आ रही थी। मैं तुरंत भागा उसो और एक धक्के से कमरे का दरवाजा खोला तो देखा पूरा कमरा बिल्कुल ठीक था। एक भी चीज टस से मस नहीं हुई थी। बस टेबल के ऊपर पेपर वेट के नीचे दबा हुआ एक लिफाफा रखा था। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, मां के हाथ की लिखाई थी। उस पे उसे पढ़ा तो पता चला बाबा और मां कॉलेज में मिले थे। इतनी सारी प्रॉपर्टी थी जिसमें मां के हिस्से में ये बंगलो और कुछ राइस मिल्स थी। बाबा ने मां से दोस्ती की, मां को ड्रग्स की लत लगवाई और प्यार के जाल में फांस के शादी कर ली। मां बाबा में झगड़े बढ़ते गए और दोनों दूर होते चले गए। मेरे पैदा होने के बाद तो जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया था। मां ड्रग्स के बिना चल भी ना पाती थी, दिन रात अपने कमरे में बंद रहती। जायदाद के लिए बाबा ने उन्हें खाने में, पानी में, हर चीज में धीमे धीमे जहर देकर जैसे अपाहिज बना दिया था। और उस रात आखिरकार बाबा की पूरी सच्चाई मां के सामने आई, जब मां ने अपनी वसीयत में मुझे वारिस और उन्हें सिर्फ केयर टेकर बनाया। मेरे 18 साल के होते ही मैं वारिस से मालिक बन जाऊंगा और बाबा को जो कुछ थोड़े पैसे गुजारे के लिए मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे। घड़ी की आवाज सुनकर वक्त देखा, रात के 12 बज चुके थे। आज मेरा 18वां जन्मदिन था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे दिल से बाबा के लिए जितना प्यार था सब कुछ एक झटके में मर गया। मैं जिस बाबा की पूजा करता था उसे मुझे नफरत सी हो गई। जिस मां को मैं पागल मानता था उसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। और जैसे मैं नहीं था। मैंने वो चिट्ठी वापस टेबल पर रखी, सीढ़ियों से बाबा के कमरे तक गया। पहुंच के देखा कि बाबा बड़े सुकून से सो रहे थे। मेरा बदन जैसे भारी सा होता जा रहा था। मैं जैसे अपने आप में हो करके भी अपने आप का मालिक नहीं था। मेरे पैर रुके नहीं, मैं चलता गया और धीमे धीमे बाबा के करीब जाकर बैठा। मेरे दोनों हाथ जैसे मेरे नहीं थे, कोई उन्हें चला रहा था। मेरे हाथों ने बाबा की गर्दन पकड़ी और मेरे मुंह से एक अजीब आवाज निकली, मुकेश क्या मिला ये सब करके? सिर्फ पैसों और जायदाद के लिए इतनी मेहनत की तुमने? थोड़ी सी मेहनत अगर इंसान बनने के लिए कर लेते तो शायद आज जिंदगी अलग होती मुकेश, जिंदगी अलग होती। मेरे हाथ बाबा की गर्दन पे कसते चले गए और एक आखिरी हिचकी के बाद मैं जानता था कि मेरे बाबा मर चुके हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने बाबा के पैर में रस्सी बांधी और घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा।
मैं अभी भी अपने अपने काबू में नहीं था। मां चाहती थी उसी के खून के हाथों उसका बदला पूरा हो, और शायद इसलिए मैं पूरी तरह बेहोश नहीं था, ताकि मैं अपनी मां के दर्द को महसूस कर सकूं, ताकि मैं अपने मां के दर्द को महसूस कर सकूं, महसूस कर सकूं। मैं जानता हूं कि बाबा शायद सिर्फ मुझसे और पैसों से प्यार करते थे, लेकिन मां हम दोनों से बहुत प्यार करती थी। मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूं। शायद इसलिए आज मैंने ये किया। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।